देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर होमगार्ड मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी कैंटीन की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ प्रदेश में 300 होमगार्ड की भर्ती भी की जाएगी। इसी क्रम में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रेमनगर स्थित सरकारी भूमि में फायरिंग रेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस दौरान होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक केबल खुराना ने होमगार्ड जवानों को सौगातें देने के लिए सीएम धामी का आभार जताया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो रैतिक परेड हुई है 2023 की होमगार्ड मुख्यालय में, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे धामी नियुक्त की गई और हमारे दूत ऐप है उसको हमने लॉन्च किया है। दूत ऐप पे जो लगभग 6,000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, जो ब्लॉक स्तर पर भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर भर्ती कराती है, उन सबके घरों की हमने मैपिंग कराई है और उस मैपिंग के बाद जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उससे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँचे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड विभाग के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें पहली बार होमगार्ड से 12 जो सीएल वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय है वहाँ पर भी जो जमीन है उसमें निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोर्चा के दस्ता है उसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री।